हाँ जी, तो ये हमारा तीसरा लेक्चर है और पिछले लेक्चर में हमने फंक्शंस कवर किया था कि एक फंक्शन को आप कैसे बना सकते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे किया जा सकता है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इस लेक्चर में हम फिगर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो फिगर से ओरिएंटेड कुछ प्रोग्राम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा कोड बेसिक्स 3 और इसका नाम रख देते हैं फिगर्स, राइट। ठीक है, तो अभी देखो हमारे वही पुराने तीन कमांड clc, क्लियर ऑल एंड क्लोज ऑल। जिनको नहीं पता है वो हमारे पिछले लेक्चर में जाएं और देखें कि ये कमांड्स कैसे काम करते हैं और कैसे नहीं काम करते हैं। तो आज हम फिगर्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए, जब कभी भी आप मैटलैब की बात करेंगे और आपको मैटलैब में एक फिगर ड्रॉ करना, तो सबसे पहले तो आपको एक फिगर कमांड कॉल करनी पड़ेगी। मतलब मैटलैब से आसान प्रोग्रामिंग का सिस्टम तो है ही नहीं। देखो ना, सिर्फ फिगर लिखते हो और तुमको एक ये फिगर प्लॉट होके मिल जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये इसके ऊपर ना नंबर लिखता है 1। ठीक, अगर तुम चाहो तो इसको हम स्पेसिफिक फिगर भी कॉल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिगर 3, ठीक है, तो अब मेरा थर्ड फिगर कॉल होगा। ये देखो, इस फिगर के ऊपर ना 3 लिखा हुआ है, यानी कि थर्ड फिगर। तो मैंने यहाँ पे पास किया था कि थर्ड फिगर है। ठीक है, तो अब जैसे सपोज करो कि मुझे इस फिगर के ऊपर कुछ प्लॉट करना है। ठीक है, तो मैं सपोज करो एक एरे ले लेता हूँ। ठीक, तो एरे में आप डाल लो 12, 15, 17, 18, 20। ठीक है जी, ठीक। तो अब मैं चाहूं कि ये प्लॉट हो जाए। ठीक है, तो पहले मान लो मैं प्लॉट करता हूं। ठीक है, तो प्लॉट के लिए ना दो देखो चीजें लगेंगी कि तुमको एक्स एक्सिस पे क्या रखना है और तुमको वाई एक्सिस पे क्या रखना है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ सैंपल्स लिख के आ जाए और वाई एक्सिस पे जो उस सैंपल की वैल्यू हो। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि 12 है तो 12 यहाँ पे प्लॉट में आ जाए। ठीक है, तो एक छोटा सा कमांड है, वो दो कमांड से मिलके बनाया गया। जैसे सपोज करो कि हम अभी इतना ही इसको रन कर देते हैं ताकि एक्स की एक वैल्यू आ जाए। ठीक है, अब वो देखो एक्स की वैल्यू है। तो अगर मुझे ये पता करना हो ना कि इस एक्स के अंदर में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो तुम लेंथ वर्ड लेंथ कमांड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, लेंथ ऑफ एक्स लिखोगे तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, या तुम इस्तेमाल कर सकते हो नंबर ऑफ एलिमेंट्स से हमने नम लिया और एलिमेंट्स का ईएल लिया। ठीक है, तो नमेल ऑफ एक्स करेंगे तो भी मुझे ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो नमेल ऑफ एक्स और लेंथ जो है वो अलग अलग जगहों पे काम आता है। ठीक है, कई बार हमको नहीं पता होता कि एग्जैक्ट साइज क्या है, तो हम ये नमेल का भी इस्तेमाल करते हैं। एक साइज कमांड भी आता है, तो साइज जो है ना वो मोस्टली हम एरे को मेजर करने के लिए, टू डायमेंशनल एरे को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि मेरा ये फिगर जो है इसमें मेरे को प्लॉट हो जाए। तो मैं चाहता हूँ नीचे नंबर ऑफ सैंपल्स आ जाए, तो मैं करूँगा प्लॉट और एक्स एक्सिस पे क्या होना चाहिए, तो 1:NumL(x). अब 1:NumL(x) लिखने का क्या मतलब है? देखो, नमेल तो मैंने समझा ही दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए नमेल लगता है। ठीक है, तो अगर मैटलैब के अंदर अगर आप फॉर लूप पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो फॉर लूप कैसे चलता है ये मैंने अपनी फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है। देखिए, 1:10 लिखने का मतलब, अगर मैं किसी भी चीज पे i=1:10 लिखता हूँ, मतलब 1 से लेके 10 तक। ठीक है, अगर तुम चाहो तो इसमें बीच में सेपरेशन डाल सकते हो, जैसे i=1:10 तो लेना चाहते हो बट दो दो के डिफरेंस पे लेना चाहते हो, तो ये देखो 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके आ जाएगा। ठीक, तो मैं 1:NumL(x), मतलब 1 से लेके जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो 1 से क्यों लिया, अगर मैंने पहले नहीं बताया तो अब बता देता हूँ। देखो, मैटलैब के अंदर में जैसे तुम कोई भी एरे सिस्टम को देखोगे, किसी प्रोग्रामिंग सिस्टम को देखोगे, तो मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग सिस्टम्स जो हैं उसमें जो एरे का इंडेक्स है वो 0 से शुरू होता है। बट मैटलैब में ऐसा नहीं है। मैटलैब में जो इंडेक्स है ना, अगर मैं एक्स, अभी देखो एक्स मेरा यहाँ पे, ये मेरा एक्स एलिमेंट है जिसके अंदर एरे है जिसके अंदर 5 एलिमेंट है। ठीक है ना, तो अगर मैं एक्स ऑफ 0 निकालूं, अच्छा हाँ, यहाँ ना राउंड ब्रैकेट से तुम
कोई भी इंडेक्स को एक्सेस करोगे। देखो ये राउंड ब्रैकेट ना फंक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है और वेरिएबल के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो अगर ये वेरिएबल तुमने लिख दिया तो पहले बतौर वेरिएबल वो ढूंढता है कि ये वेरिएबल है कि नहीं मेरे वर्क स्पेस के अंदर। अगर ये वेरिएबल नहीं है तो ये फिर ढूंढेगा। जैसे मैंने देखो लेंथ लिखा था LNGTH, ठीक है, लेंथ ऑफ एक्स, तो राउंड ब्रैकेट ही लगाया। ये राउंड ब्रैकेट तो फंक्शन के लिए लगते ही है, लेकिन यहाँ एरे को एक्सेस करने के लिए भी हम राउंड ब्रैकेट का ही इस्तेमाल करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगता। तो एक्स ऑफ जीरो अगर मैं करूंगा ना तो यहाँ पे एरर आएगा। क्या बोलता है, एरे इंडेसेस मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर और लॉजिकल वैल्यू, यानी कि एक्स ऑफ वन से स्टार्ट होगा, ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए, न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, जीरो जैसे न्यूट्रल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिया कॉमा एक्स लिखूंगा मैं, तो एक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हो, ठीक है। अब तुम जो इसका तीसरा आर्गुमेंट पास कर सकते हो, वो पास कर सकते हो कि तुमको कौन से रंग का कलर चाहिए, मतलब कौन से रंग का तुमको प्लॉट में चाहिए। जैसे अगर मैंने आर लिखा तो ये रेड कलर को रिप्रेजेंट करेगा, जी लिखूंगा तो ये ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करेगा, बी लिखूंगा तो ब्लू कलर को, सी से सियान, वाई से येलो, एम से मैजेंटा, ठीक है। इसके अलावा भी आप और भी एनोनमस नंबर ऑफ कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ठीक है। और जो ये प्लॉट हो, मैं इसका जो विड्थ है ना, यानी कि जो लाइन बनेगी उसकी विड्थ चाहता हूँ कि 2 यूनिट हो जाए। बाय डिफॉल्ट ये 1 यूनिट होता है, अगर तुम दे दोगे तो उतना यूनिट ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब देखो मैं कह रहा हूँ कि मेरे को एक ऐसा ग्राफ बनाना है जिसके एक्स पे कुछ नंबर ऑफ सैंपल्स हो और वाई पे उसकी सैंपल की वैल्यू, तो मुझे एक्स का लेबल भी देना पड़ेगा। एक्स लेबल कहने का मतलब एक्स एक्सिस पे तुम क्या लिख के दोगे। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि नंबर ऑफ सैंपल्स लिख के आ जाए, ठीक है, और जो वाई एक्सिस है, वाई लेबल है मेरा, ठीक है, उस पे मेरे को आ जाए कि मैग्नीट्यूड ऑफ द सैंपल, ठीक है। ठीक, अब हम इसको प्लॉट करके देखते हैं या रन करके देखते हैं, ठीक है। ये देखो जैसा कि मैंने बताया था कि ये एक्स का 1 पे देखो कितनी 1 पे ये वैल्यू है, मेरे पास 12 यूनिट से इसने 12 प्लॉट कर दिया, ठीक है। और 2 के ऊपर देखोगे तो 2 का यहाँ पे ये देखो तुम कर्व देख सकते हो, ठीक है। अगर तुम चाहो तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। ये देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ, इसने एक्स करके मार्क बता दिया, ठीक है ना, एक्स 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 ऐसे करके। तो ये देखो जहां जहां एक्स है वहां वहां हमारी वैल्यू है, जहां एक्स नहीं है वहां ये वैल्यू नहीं शो कर रहा, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे वैल्यू शो करेगा, यानी कि थर्ड यूनिट की वैल्यू है 17। थर्ड जो मेरा ये देखो ये मेरा 17 वैल्यू, तो ये मेरा प्लॉट हो गया, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे देखो जैसे मैंने नंबर ऑफ सैंपल्स लिखा है और वाई एक्सिस पे मैंने लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ द सैंपल, तो ये वैसे ही आ गया, ठीक है। तो अब एक मैं और वेक्टर ले लेता हूँ, जैसे एक्स बार ले लो या वाई ले लो, वाई लोगे तो तुमको कंफ्यूजन होगी, चलो हम एक्स वन ले लेते हैं, ठीक है। तो एक्स वन का जो है वो मैं कुछ अलग बना देता हूँ, ठीक है। कोई भी रैंडम वैल्यूज ले रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ, देखो कई बार ऐसा आपके पास सिचुएशन आएगा ना कि एक ही फिगर के अंदर में आप जो है वो मल्टीपल चीज़ें दिखाना चाहोगे। जैसे सपोज कर लो कि आप एक जगह किसी स्टूडेंट के मार्क्स मैथमेटिक्स के दिखाना चाहते हो, उसके 12 महीने के अंदर में क्या मार्क्स आए, और एक जगह आप दिखाना चाहते हो कि उसके साइंस में क्या मार्क्स आए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का ग्राफ बनाने के लिए आपको एक ही फिगर के अंदर में मल्टीपल प्लॉट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। आप मेरी बात समझ रहे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहां पे फिगर को होल्ड करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे होल्ड ऑन। होल्ड ऑन से क्या होगा, जो अगली लाइन बनेगी, जैसे अगर मैं लिखूंगा प्लॉट, अब हमारा पहले एक्स वेरिएबल था तो अब हम कर रहे हैं नमल ऑफ एक्स वन, और यहाँ पे हम एक्स वन को प्लॉट करेंगे, और जैसे वो एक्स माइनस से प्लॉट किया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको बी स्टार माइनस से कर लेंगे, यानी कि स्टार ब्लू कलर का बन के आएगा, या इसको रेड कलर का आप दे दो, ठीक है, रेड कलर का स्टार बन के आएगा, ठीक। और इसकी लाइन विड्थ हम दे देते हैं 2, नहीं दोगे तो बाई डिफॉल्ट 1 रहेगी जैसा कि हम जानते हैं, ठीक है। तो ये देखो अगर मैं अब इसको रन करता हूँ तो ये देखो ये मेरी 2
वैल्यूज अलग अलग प्लॉट हो रही हैं, एक हमारी ये ब्लू वाली और एक हमारी ये रेड वाली। ये तुमको जंप इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ऐसी है, ठीक है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा इसका रेंज रिड्यूस कर दूँ, जैसे इसको मैं 17 कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो वो ग्राफ ऊपर से ठीक हो जाएगा, ये कुछ ऐसे आ गया, ठीक है ना। तो जैसा वैल्यू आएगा तुमको किसी कैलकुलेशन से, वही वैल्यू यहाँ पे प्लॉट करोगे, ठीक है। अब तुम चाहो ना तो अपने प्रोग्रामिंग के हिसाब से ना ये बता सकते हो कि ये रेड वाली क्या रिप्रेजेंट कर रही है और ये ब्लू वाली क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं लीजेंड, ठीक है, LEGEND, ठीक है। तो फर्स्ट मान लो कि जो फर्स्ट सैंपल है उसको हम बोल रहे हैं एक्स सैंपल। जिस ऑर्डर में तुम प्लॉट कर रहे हो ना, जिस ऑर्डर में वो दिख रहा है वो नहीं लिखना, जिस ऑर्डर में तुम प्लॉट कर रहे हो उसी ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। और दूसरा जो हमारा सैंपल है वो है X1 सैंपल, ठीक है। तो मैंने लीजेंड डाल दिया। अब मुझे इस फिगर के ऊपर लिखा हुआ आ जाना चाहिए कि कौन सा कलर जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर तुमको यहाँ पे दिख रहा हो तो ये देखो, ये ब्लू वाली लाइन जो है वो मेरी एक्स सैंपल की है, और जो मेरी रेड वाली लाइन है वो मेरी X1 सैंपल की है, ठीक। तो इतनी सीधी सीधी सी बात है, छोटा छोटा सा प्रोग्राम है और तो कुछ इसमें इतना भी कोई खास है नहीं, ठीक। तो वैसे ही आप डरते रहते हो, डरोगे नहीं तो प्रोग्रामिंग भी हो जाएगी, इतनी की बड़ी कोई बात होती नहीं है, ठीक। अब आपको एक ऐसा कमांड सिखाता हूँ जो मैटलैब के अंदर बिल्कुल चमत्कारिक कमांड है, ठीक है। इसके अंदर इतनी सारी वर्सिटैलिटी है, आप इसको इतने एनोनिमस नंबर ऑफ वे से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कमांड जो है वो है रैंड, RAND, ठीक है। रैंड का क्या मतलब होता है, ये एक रैंडम नंबर आपको निकाल के देगा और वो भी 0 से 1 के बीच में। ये फिक्स है कि ये 0 से 1 के बीच में एक रैंडम नंबर निकाल के देगा, ठीक है। जब भी मैं रैंड कमांड यूज करूंगा, अगर तुम कमांड विंडो देख रहे हो तो देखो, जब भी मैं ये रैंड कमांड को यूज करूंगा ये तब तब मुझे एक नई वैल्यू निकाल के दे रहा है, ठीक। इसकी एक और खासियत है, ठीक है। खासियत क्या है कि तुम कितने भी नंबर ऑफ रैंडम नंबर एक ही बार में जनरेट कर सकते हो। जैसे मेरा रैंडम एरे नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया, तो मैं लिख रहा हूँ रैंड, तो तुमको रैंड से तो मालूम है कि एक रैंडम नंबर 0 से 1 के बीच में जनरेट हो क्या देगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक रो हो और उसमें 5 कॉलम हो, ठीक है, और ऐसा उस सब में एक रैंडम नंबर हो, ठीक है। तो ये देखो, अब मैंने जैसे ही एंटर मारा मैंने क्या लिखा, तो फर्स्ट जो इसका इनपुट है वो है कि कितने रोज चाहिए तुमको, और सेकेंड जो इनपुट है वो है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ 2.5 लिखूंगा तो ये देखो, ये 2.5 का एक रैंडम एरे जनरेट होकर के आ गया, ठीक है। तो कई बार हमको, जैसे कई सारे सिनेरियोज आते हैं, जैसे अगर तुम किसी नेटवर्क के सिस्टम के लिए काम कर रहे हो तो तुमको एक नेटवर्क को प्लॉट करना पड़ेगा, उसमें मल्टीपल नंबर ऑफ यूजर्स दिखाने पड़ेंगे। या अगर तुम क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर के लिए काम करना चाहते हो तो एक क्लाउड का यूजर अलग होगा, क्लाउड का एक डेटा सेंटर अलग होगा, या कुछ भी प्रोग्राम बनाना चाहते हो तो उसमें ये रैंडम नंबर जो है वो काफी काम आता है, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम बना करके इसको भी देख लेते हैं तो हमारा ये जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो इसको मैं यहाँ पे भी कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। कमेंट करने से क्या होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। कमेंट करने के लिए तुम परसेंटेज कमांड का यूज कर सकते हो, जो परसेंटेज हमारा ये है। तो सिंगल लाइन कमेंट करनी है तो तुम उसके आगे परसेंटेज लिख दो, ठीक है, या लाइन को सेलेक्ट करके देखो, यहाँ पे परसेंटेज का तुमको ये ऑप्शन ऊपर में ही दिखता है, इसको कमेंट कर दो, ठीक। अब देखो, जैसे मैंने तुमको रैंडम सिखाया, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा मोटिव है वो हम पहले समझ लेते हैं, ठीक है, कि हम क्या बनाना चाहते हैं ताकि हमको पता चल जाए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ देखो कि मैं एक सोसाइटी टाइप का हो, जैसे सपोज करो हम एक सोसाइटी के लिए एक चीज ले लेते हैं, ठीक है, कि एक हम एरिया ले लेते हैं, ठीक है, और इस एरिया में यहाँ पे कोई खड़ा है, यहाँ पे मान लो सौरभ है, ठीक है ना, और यहाँ पे गौरव है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो पंकज है। तो ये मेरे 3 लोग हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक फूड डिलीवरी वाला है, ठीक है। तो फूड डिलीवरी वाले को गौरव, पंकज और सौरभ के घर पे सामान देना है, ये 3 अलग-अलग घर है, ठीक है। तो फूड डिलीवरी वाले को ये सोचना है कि मैं पहले किसके पास जाऊं, तो जो सबसे नजदीक होगा वो सबसे पहले उसके पास जाएगा, मान लो गौरव इससे सबसे नजदीक है,
ये गौरव के पास जाएगा, फिर वो गौरव से पंकज के पास जाएगा, और फिर पंकज से सौरभ के पास आएगा, ठीक है, क्योंकि सौरभ उससे सबसे ज्यादा दूर है। तो ये हमको प्रोग्राम पे दिखाना है, इसको इसको हमको एक बतौर प्रोग्राम बनाना है, इस चीज को हम चाहते हैं कि वहां पे दिखे कि ये प्रोग्राम है, ठीक है। तो इस देखो, देखने के लिए बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, बट इसमें ना सीखने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको मालूम है कि हमको एक फिगर बनानी है, और फिगर पे हमको 3 लोग बिठाने हैं, ठीक है। तो फिगर की कमांड तो हमको मालूम है, हम फिगर लिखेंगे और एक फिगर बन जाएगा, ठीक है। तो देखो मेरे पास कितने लोग हैं, मेरे पास 3 लोग हैं, ठीक है। पहले पंकज है, फिर सौरभ है या गौरव है, फिर हमारा सौरभ है, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले हम एक लूप बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो कि हमें 3 लोग डिफाइन करने हैं, ठीक है। तो मैंने एक लूप लिया 1 से लेकर के 3 तक, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लोकेशन अंडरस्कोर एक्स और लोकेशन अंडरस्कोर वाई नाम का एक वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है। लोकेशन अंडरस्कोर एक्स और लोकेशन अंडरस्कोर वाई किस लिए लिया, ताकि इसमें जो है 3 लोग हैं, तो 3 हमारे यूजर्स हैं, उनकी लोकेशन आ जाएगी, ताकि हम लोकेशन के हिसाब से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सके, ठीक है। तो एक फिगर हमने बनाया है, या अभी हम बाद में इसको बनाएंगे, अभी इसकी जरूरत नहीं है, पहले लोकेशंस बना लेते हैं, ठीक है। तो मान के चलो कि ये जो एरिया है ये 1 किलोमीटर का एरिया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है, ठीक है। 1 किलोमीटर स्क्वायर का ये एरिया हो गया तुम्हारा। और ये जो फूड डिलीवरी वाला है ये बिल्कुल एज पे खड़ा है, जैसे ये यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो ऐसे हमको पहले वहाँ पे बनाना, तो पहले हम लोकेशन बना लेते हैं। तो जैसे मैंने अभी तुमको रैंडम कमांड सिखाई, तो एरिया के हिसाब से ही लोकेशन आएगा। तो एरिया का जो एक्स है वो है 1000 यूनिट, यानी 1 किलोमीटर, और एरिया का जो वाई है वो भी है, सपोज करो 1000 यूनिट, ठीक है ना, यानी 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर। तो जो लोकेशंस हैं वो 3 लोकेशन हैं, तो लोकेशन अंडरस्कोर एक्स, तो जो एक्स है ये देखो, जो एक्स है तुम्हारा, यानी कि अगर मैं इस फिगर को रीड्रॉ करूँ किसी और ये से, तो इस ऐसे इसको ना 2 डायमेंशन में देखो आप, तो यहाँ पे मान लो सौरभ है, ठीक है ना। तो ये उसका एक्स हुआ और ये उसका वाई हुआ, समझे कि नहीं आप। ये एक्स एक्सिस हो गया इसका, यानी कि एक्स पे वो यहाँ पे होगा और वाई पे वो यहाँ पे होगा, और ये सारा इस एरिया के अंदर होगा। तो अगर मैं एक्स में, अभी देखो मेरा जो रैंड कमांड है वो मुझे क्या वापस करता है, एक रैंडम नंबर 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप 0 से 1 के बीच में, देखो किसी भी चीज का उतना ही वैल्यू चाहिए तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे, कुछ नहीं चाहिए तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर मुझे एक पर्टिकुलर रेंज में चाहिए तो उतने से रैंडम में मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। तो लोकेशन ऑफ एक्स जो है आईथ यूजर का, आईथ मतलब गौरव हो सकता है, सौरभ हो सकता है, पंकज हो सकता है, ठीक है। जो 3 यूजर है उनका हम नाम ले लेते हैं, ठीक है। तो यूजर्स नाम से हमें कह रहे लेंगे, और इसमें हम डालेंगे पंकज, सौरभ एंड गौरव, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पे आपने कर्ली ब्रेसेस यूज किया अपने एरे को बनाने के लिए। तो देखो एरे का क्या है, जब तुमको सर्टेनिटी नहीं हो ना साइज में, तो हम सेल यूज करते हैं, ठीक है। सेल पे एक अलग से मैं छोटा सा ये बना दूंगा अभी, ठीक है। तो यूजर्स अभी मान के चलो एक सेल, इसको सेल बोलेंगे, क्योंकि देखो पंकज के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, सौरभ के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और गौरव के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अलग अलग है, ठीक है। तो ये समान साइज का नहीं हुआ। जैसे जो नंबर है, अब तुम कहोगे एक नंबर में 35 है, 42 है, बट उनका यूनिट जो है वो उतनी बाइट की वैल्यू उठाएगा, तो इसलिए वहां पे उसको हम इजिली एरे में बना सकते हैं। बट ऐसे ना, जिस स्ट्रिंग में वेरिएबल का जो साइज है वो डिफरेंट हो, उसको ऐसे नहीं स्टोर कर सकते, उसको करोगे तो वहां पे एरर आएगा, ठीक है। तो लोकेशन अंडर स्कोर एक्स हम ले लेते हैं, एरिया अंडर स्कोर एक्स इंटू रैंडम, और लोकेशन अंडर स्कोर वाई जो है वो हम ले लेते हैं एरिया अंडर स्कोर वाई इंटू रैंडम, ठीक। और फिर अब हम क्या करते हैं, अब हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और इस फिगर में हम प्लॉट करेंगे लोकेशन अंडर स्कोर एक्स
कॉमा लोकेशन अंडरस्कोर वाई, और मैं चाहता हूँ कि ये रेड कलर में दिखे। लेकिन अगर देखो अभी मैं प्लॉट कमांड यूज कर रहा हूँ है कि नहीं, तो प्लॉट बेसिकली लाइन ग्राफ बनाता है, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ कलर दे दूंगा ना, तो ये क्या करेगा, इनके बीच में ना एक लाइन खींच देगा, ठीक है। चलो पहले ऐसे करके देख लेते हैं, ठीक। एक्स लेबल, हम समझ चुके हैं कि एक्स लेबल का मतलब क्या होता है, तो हम लिखेंगे एक्स ऑफ द एंटायर एरिया। और वाई लेवल पे लिख दो, वाई ऑफ द एंटायर एरिया, तुम लेंथ विड्थ लिख दो, तो तुम्हारी मर्जी पे है, ठीक है ना। इसमें कोई प्लस माइनस वाली बात नहीं है, ठीक। तो अभी देखो इसको अगर मैं प्लॉट करूंगा ना, तो ये क्या करेगा, ये एक लाइन ग्राफ बना देगा तीन। अभी ये देखो ये मेरा एक एरिया बन गया, ठीक है। तो इसमें ना जो मैक्सिमम लेंथ आई है वो, ये एक्सिस जो है ये अपनी लेंथ के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। तो पहला में भी यहाँ होगा, ठीक है, दूसरा यूजर में भी यहाँ पे होगा, और तीसरा यूजर में भी यहाँ पे होगा, और इनके साथ इनके बीच में एक लाइन ग्राफ है। बट मुझे लाइन ग्राफ नहीं चाहिए, मुझे तो तीनों यूजर्स का अलग अलग घर दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको राउंडेड ऑब्जेक्ट ले लूंगा। देखो जैसे आर ओ लिया मैंने, तो ये क्या करेगा, रेड कलर के तीन डॉट्स बनाएगा। देखो 1 2 3, ये एक पैटर्न में बन गया है, बट मैंने जानबूझ के ऐसे नहीं बनाया, ये रैंडम नंबर का कमाल है, वो अपने आप ही नया पैटर्न जनरेट करेगा अगली बार भी। अभी देखो ये अलग अलग लोकेशन बैठ गए, ठीक है। तो अब देखो जैसे लोकेशन है ना, मैं चाहता हूँ कि उस पर लिख के आ जाए कि ये कहाँ है। तो सबसे पहले तो हम अपना डिलीवरी बॉय बना लेते हैं, ठीक है ना। तो डिलीवरी बॉय की लोकेशन जो है वो हमारे फिगर के अंदर में कहाँ पे, यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में, यहाँ पे ये मेरा डिलीवरी बॉय यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो जो अगर तुम हमारा फिगर देखोगे, जो हमारा फिगर ड्रॉ हो रहा है अभी, वो कैसा ड्रॉ हो रहा है, देखो ऐसा ड्रॉ हो रहा है, ये जो मैक्सिमम है 1000 है, मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि ये 500 के यूनिट पे या 650 यूनिट पे मेरा डिलीवरी बॉय आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम डिलीवरी बॉय की लोकेशन सेट कर लेते हैं। तो एक्स जो होगा डिलीवरी बॉय का, वो 1000 है, एक्सट्रीम पे है ना। और डिलीवरी बॉय का वाई जो है वो मैं 500 यूनिट ले लेता हूँ फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, होल्ड ऑन, और अब हम प्लॉट कर देते हैं डिलीवरी बॉय के एक्स को उसके डिलीवरी बॉय के वाई के अगेंस्ट में, और इसको हम एक्स से डिनोट करेंगे, ठीक है। और इसको हम इसका लाइन विड्थ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, लाइन विड्थ इसका 5 कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लीजेंड दे देते हैं कि भैया क्या क्या है, कौन सी चीज़। तो पहले हमने क्या की थी, लोकेशंस, ठीक है। तो हम यहाँ पे दे देते हैं लोकेशंस ऑफ यूजर्स और डिलीवरी बॉय, ठीक है, या यूजर और डिलीवरी बॉय, ठीक है। लोकेशंस देने की जरूरत नहीं है, हमको मालूम ही हम किस चीज़ के, मतलब तुम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे सकते हो। तो अभी हम इसको थोड़ा सा रन करके देखते हैं कि हमको क्या दे रहा है, ठीक है। अब ये देखो ये 500 पे है, तो ये यहाँ पे एक्सट्रीम अप पे इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो मेरा वाई का एक्सिस है ना, उसमें जो मेरे यूजर्स जनरेट हुए वो वाई के लिमिट में, हम चाहें ना तो हम एक्सिस को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो एक्सिस को अपने हिसाब से आप कैसे सेट करोगे, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा एक्सिस राउंड ब्रैकेट लगाओगे और उसमें आपको चार वैल्यूज देंगे, एक्स का मिनिमम कितना चाहिए, एक्स का मैक्सिमम कितना चाहिए, वाई का मिनिमम कितना देना है, और वाई का मैक्सिमम कितना देना। तो मैं चाहता हूँ हजार हजार यूनिट का मेरे को दिख जाए। तो अब अगर तुम देखोगे तो डिलीवरी बॉय जो है वो हमारा बीच में दिखेगा, अगर जैसा कि मैंने पहले बताया था। और ये मेरे यूजर्स हैं तीन, देखो 1 2 और 3, और ये मेरा डिलीवरी बॉय, ठीक है। तो ये रेड कलर में ही है दोनों, एक्स भी मेरा जो है वो रेड कलर में होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ब्लैक कलर में कर लेते हैं जो हमारे यूजर्स हैं उनको, और डिलीवरी बॉय को हम रेड में कर देते हैं, ठीक है। अभी देखो रन हुआ है, अभी देखो ये मेरा यूजर्स लीजेंड में लिख करके आ रहा है कि ये मेरे यूजर्स जो है वो तीन अलग अलग लोकेशंस पे हैं, और ये मेरा डिलीवरी बॉय है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इस डिलीवरी बॉय से यूजर्स की लोकेशन का डिफरेंस निकालते हैं। लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे कि प्लॉट के ऊपर हम दिखाएंगे कि ये मेरा डिलीवरी बॉय है और ये मेरा यूजर है। तो जो डिस्टेंस कैलकुलेशन का फॉर्मूला है और जिससे डिस्टेंस कैलकुलेट होगा वो अगले लेक्चर में होगा। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम उस पर डिलीवरी बॉय लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो
कुछ भी किसी भी फिगर के ऊपर आपको लिखना है तो उसके लिए आपको टेक्स्ट कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक, सो मेरे पास पहले तो तीन अलग अलग यूजर हैं, अलग अलग कमांड से हमको उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो जहां मैंने ये प्लॉट किया है ना, मैं क्या करता हूँ, मैं यहीं पे लिख देता हूँ टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में ना तुमको बताना पड़ेगा कि भैया तुमको एक्स का क्या चाहिए, तो लोकेशन अंडरस्कोर एक्स में हमारे एक्स है, आईएथ यूजर का, और फिर हम लोकेशन अंडरस्कोर वाई आईएथ यूजर का, और इस पे तुम क्या लिखना चाहते हो। तो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने के लिए मैंने पहले लेक्चर में बताया कि हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो इस पे हमारे पास क्या लिख के आएगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस पे लिख के आए कि यूजर, या फिर सीधा सीधा ले लो यूजर्स नाम का जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया है, यूजर्स में से कौन सा हमको यूजर चाहिए। अब देखो वो कर्ली ब्रैकेट है तो उसको कर्ली ब्रैकेट की तरह एक्सेस करेंगे आई, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे मुझे ये शायद एक एरर देगा, ये शायद एक एरर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मैं सेल से कंटेंट यूज कर रहा हूँ सीधा सीधा। अब देखो मैं यहाँ पे वाई पे +3 दिया मैंने, ठीक है ना। वाई पे +3 देने का क्या कारण है कि देखो अगर मैं यहाँ पे लोकेशन में थोड़ी सी शिफ्टिंग नहीं करूंगा, थोड़ा ऊपर, तो जहां मेरा डॉट होगा ना एग्जैक्टली उसके ऊपर लिख के आ जाएगा, और उसका टेक्स्ट जो होता है उसका जो विड्थ होता है वो इतना क्लियर नहीं होता, या तो फिर तुमको मैनुअली विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। तो पहले हम देखते हैं कि मेरे ये वाला टेक्स्ट मेरा कामयाब होता है कि नहीं, ठीक है। अभी अच्छा टेक्स्ट लिखने पे हमने होल्ड ऑन नहीं दिया, ओके। टेक्स्ट जो है वो किसी लोकेशन पे आएगा, तो पहले हम यहाँ तक आ जाते हैं और देखते हैं कि अभी ये मेरे 4 है तो मेरा टेक्स्ट क्यों नहीं आया। टेक्स्ट मेरा इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने फिगर मेंशन नहीं किया, तो इस फिगर को हमको ऊपर मेंशन करना पड़ेगा ताकि वो टेक्स्ट इसके ऊपर दे सके। और अब रन करके देखते हैं, ठीक है। अब देखो लिख के आ गया मेरे पास, ये पंकज है, ये सौरभ है, ये गौरव है, और ये मेरा जो तुम्हारा डिलीवरी बॉय है, ठीक है। अभी तुमको एक्सेस डिस्टॉर्टेड दिख रही होगी क्योंकि मैंने यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा रखा है। अब अगर मैं इसको रन कर दूंगा तो मेरा डिलीवरी बॉय ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये मेरे 3 लोकेशन आ गए, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, देखो अगर तुम यहाँ पे चाहो ना तो इसके साथ कुछ और भी लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सीधा सीधा यूजर लिख दिया, तो तुम अगर चाहो कॉन्कैटिनेट कर सकते हो। जैसे मैं लिख दूँ इसके ऊपर यूजर और फिर ये यूजर का नाम आ जाए, ठीक है। तो यूजर के बाद डबल डॉट लगा दो, ठीक है, कॉलन, इससे थोड़ा सा सेपरेटेड दिखेगा, ठीक। अभी देखो यूजर पंकज, यूजर सौरभ और यूजर गौरव, ये मेरे 3 आ गए, ठीक है। तो डिलीवरी बॉय को क्यों छोड़ना है, उस डिलीवरी बॉय के ऊपर भी लिख दो। तो एक हम चाहते हैं, कोशिश करके देखते हैं कि इसका विड्थ थोड़ा सा हम एडजस्ट करें जो ये लिख रहा है। तो अगर ये कमांड इस पे चल गई, विड्थ पे चल गई, मतलब थोड़ा सा फॉन्ट इसका थोड़ा सा बड़ा हुआ दिखेगा तुमको, मतलब इसमें इतना मेजर लाइन विड्थ नहीं है क्योंकि प्लॉट नहीं हो रहा है, ठीक है। लाइन विड्थ मतलब इसके ऊपर ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है, ठीक। तो अब डिलीवरी बॉय के ऊपर इसके लिए मार्कर साइज यूज होगा, ठीक है, वो अलग कमांड है, फिर किसी और दिन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम होल्ड ऑन कर देते हैं और टेक्स्ट कमांड को वापस से यूज करेंगे। तो जहाँ पे बेचारा डिलीवरी बॉय खड़ा है और जहाँ उसका वाई लोकेशन है, ठीक है, तो जहाँ वो डिलीवरी बॉय बेचारा खड़ा है ना, वो तो बिल्कुल बाउंड्री पे है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें से 5-10 यूनिट कम कर देते हैं ताकि थोड़ा सा इधर को टिक दिखे मुझे, और ये वाई है मतलब इतने यूनिट पे दिखेगा डिलीवरी बॉय, और यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, डिलीवरी बॉय, ठीक, समझ गए। अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। अब वो देखो लिख के आ गया डिलीवरी बॉय, ठीक है, और ये मेरे 3 यूजर हो गए, ठीक। तो फिगर इतना इतना समझ चुके। अब अगला जो इसके ठीक बाद वाला लेक्चर है या जो वीडियो है उसमें क्या है कि अब मैं क्या करूंगा, इस डिलीवरी बॉय से हर एक यूजर का डिस्टेंस निकालूंगा, फिर मैं इस डिलीवरी बॉय को यहाँ तक पहुँचा के दिखाता हूँ कि ये यहाँ तक कैसे पहुंचेगा। पहले किसको सामान देगा, उसके बाद किसको सामान देगा, फिर उसके बाद वो किसको सामान देगा, ठीक। तो अगला देखो वीडियो और इसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक।